बाहर किसी ऑटो रोड पे चले जाओ चलो टिकरी अच्छे से दे हाँ आज मेंढर कस्बा में लोगों की काफ़ी कंप्लेंट्स थी कि कुछ अजाफी कीमतों पे जो है दुकानदार अपना सामान बेच रहे हैं, और दूसरी एक बड़ी कंप्लेंट थी कि जो हमारी सर्विसेज ऑनलाइन हुई है रेवेन्यू की, और जो कंप्यूटर शॉप्स हैं कंप्यूटर वाले हैं लोग, तो वो जो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मीन्स जो ऑनलाइन करते हैं कोई डॉक्यूमेंट किसी सर्विस के लिए भी, तो उसमें अपनी मर्ज़ी के रेट्स लेते हैं। हालांकि यहाँ इस ऑफिस से जुलाई 2022 में एक ऑर्डर भी हमने निकाला था, रेट्स नोटिफाई किए थे कि इस रेट से ज़्यादा किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए बंदा चार्ज नहीं करेगा। तो आज उन दुकानों का पहले मायना किया गया और पाया गया कि रेट लिस्ट डिस्प्लेड नहीं थी, और उनको मौके पर फ़ाइन भी किया गया। तो बाकी जो दूसरी बेकरी की शॉप्स थी या स्वीट्स की शॉप्स थी, जिन्होंने खुले आम सामान छोड़ा हुआ था बगैर किसी कर्टन वगैरह के, या कोई भी उसके ऊपर कोई शीट वगैरह नहीं डाली हुई थी जो सामने था, तो इस ज़िमन में रेट्स को लेके और सामान खुला रखने के इवज़ में, और जो अजाफी कीमतें जो चार्ज की जा रही थी खासकर ये रेवेन्यू सर्विसेज के लिए, तो इस ज़िमन में ये टोटल कोई 11,500 रुपये फ़ाइन आज मिन जुमला हुआ है। तो यही लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी, जो खासकर रेवेन्यू सर्विसेज की बात कर रहे हैं हम, तो रेवेन्यू सर्विसेज में हमने रेट्स नोटिफाई किए हैं, हमारे इधर ऑफिस में भी रेट्स लगे हुए हैं और कंप्यूटर शॉप पे भी रेट्स लगे हुए हैं। अगर कोई बंदा कंप्यूटर वाला उस रेट के मुताबिक आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, तो वो हमें कंप्लेंट जो है वो दें। उसके अलावा जो अगर अजाफी कीमत में कोई बंदा अपने फ्रूट्स बेच रहा है या कोई और खाने पीने की चीज़ें कमोडिटीज़ बेच रहा है, तो वो चीज़ें भी हमें हमारे नोटिस में लाएँ, क्योंकि उनके रेट्स जो हैं डिस्प्लेड हैं। तो लोगों से यही गुजारिश रहेगी, कोई बंदा जो रेट्स लगाता है उसको पहले कंफर्म कर लीजिए कि रेट लिस्ट के मुताबिक होना चाहिए, अगर ज़्यादा कर रहा है तो हमें रिपोर्ट कर सकता है। और उसके अलावा मेरी ये लोगों से गुजारिश रहेगी, जो ये मिठाई लेते हैं और ये जो बेकरी वगैरह लेते हैं, और ये बिल्कुल खुला रखते हैं ये लोग सामने, वहाँ मक्खियाँ भी पड़ रही हैं, वहाँ पर धूल भी पड़ रही है, तो ये अनहाइजीनिक हो जाती हैं हेल्थ के लिए। तो यही गुजारिश है कि इस तरह का सामान आप ना ख़रीदें, कोई भी सामान जो अंदर है पैकिंग में है उस चीज़ को लें, और ऐसे लोगों को जो है हम बख्शेंगे नहीं जो खुले आम जो है इस तरह के काम करेंगे।